मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर चल रहे सप्ताह भर के कार्यक्रम की कड़ी में गुरुवार को नगर परिषद पचोर द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित की गई। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष विकास करोड़िया, उपाध्यक्ष राम भरोसे यादव, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बबीता जुलानिया, महामंत्री नीलम सक्सेना, पार्षद बद्रीलाल भंडारी, हेमराज गुर्जर, राधेश्याम गुर्जर, कैलाश देशवाली विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीएमओ पवन मिश्रा ने योजनाओं की जानकारी दी। अंत में अतिथियों ने हितग्राहियों को राशि के चेक वितरित किए। सभी हितग्राही को जो प्रमाण पत्र दिए गए उसके विषय में आप नगर को क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार की भाजपा की शिवराज सिंह जी की मंशा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे। उसी के अंतर्गत ये सप्ताह मनाया जा रहा है, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हमारी कोशिश है कि हम हर हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के जो निर्देश दिए गए थे निर्देशानुसार उसी कड़ी में नगर परिषद पचोर द्वारा घर घर भ्रमण करके वार्डों में कैंप लगा करके
शासन की महत्वपूर्ण सारी योजनाओं को लेकर के कर्मचारियों ने प्रयास किया, हमने प्रयास किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया, वार्ड प्रभारियों ने प्रयास किया और आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे अंत्येष्टि सहायता हो, चाहे पात्रता पर्ची हो, भवन निर्माण कर्मकार हो, विभिन्न प्रकार की अनुग्रह सहायता, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभान्वित यहाँ किया गया है और सब लोग उपस्थित हुए। पूरे नगर के लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे अध्यक्ष महोदय परिषद को धन्यवाद देता हूँ, इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें। स्थापना दिवस मनाया गया है, नगर के किन किन हितग्राही को कितना लाभ मिला है, सरकार की योजना का क्या लाभ दिया गया है? 1 नवंबर को मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस के ऊपर अवसर पर नगर परिषद परिसर में झंडा के साथ ही 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रथम दिवस मिडिल एंजल स्कूल के बालकों द्वारा, बच्चों द्वारा एक रैली के माध्यम से इस स्थापना दिवस की शुरुआत की गई, वहीं पर झंडा वंदन राष्ट्र ध्वज का किया गया। उसी क्रम में आज हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को संबल योजना के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए, कल्याणी सहायता विधवा सहायता के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए, अंत्येष्टि सहायता की राशि 4 आवेदकों को प्रदान की गई। इसी के तहत ये कार्यक्रम आज पूरा हुआ है। अभी 3 बजे से 5 बजे तक संबल योजना के भी प्रमाण पत्र यहाँ पर वितरित किए गए, जिस 2 लाख और 4 लाख रुपये की राशि दी गई। अब इसी के तहत अभी 3 बजे से 5 बजे तक उत्कृष्ट सड़क के पास में पुलिस थाना परिसर के समक्ष स्कूली बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उसके बाद 6 बजे शाम को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर 67 दीप प्रज्वलित कर इस 67वें स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। सभी नगरवासियों को निवेदन करता हूँ इस अवसर पर पधारे, धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।